हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 70s की रहस्यमय समुद्री राक्षस की घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो सच्ची घटना है, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये घटना 1976 में हुई थी, अमरीकी जहाज USS स्टेन के साथ। USS स्टेन, ये जहाज टोनी स्टेन के नाम से रखा गया था, जो पहले मरीन थे जिन्हें मेडल ऑफ ऑनर मिला था उनकी बहादुरी के लिए लॉ जिमा युद्ध में। USS स्टेन 8 जनवरी 1972 में कमीशन्ड हुआ था और 1974 में रहस्यमय समुद्री राक्षस के हादसे के बाद ये जहाज पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। 1976 में रात के समय USS स्टेन बीच समुद्र किसी जीव से टकराया था। हालांकि उस समय सारे क्रू मेंबर्स मौजूद थे और किसी ने उस राक्षस को नहीं देखा, पर टकराने के कारण USS स्टेन बहुत टूट चुका था। उस समुद्री जीव ने जहाज के सोनार डोम को बहुत नुकसान पहुंचाया था। सोनार डोम जहाज के आगे नीचे का हिस्सा होता है। जब ये जहाज की जांच हो रही थी, तब इंजीनियर्स ने देखा कि सोनार डोम बहुत ही मुड़ा हुआ था और उस पर नोकीले नाखूनों का निशान था, जो साफ बयां कर रहा था कि किसी जीव ने इस जगह पर हमला किया था। उसके पंजों के निशान से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने अनुमान लगाया था कि वो रहस्यमय जीव तकरीबन 150 फीट लंबा होगा। दोस्तों, वैसे तो ये हादसा ज़्यादातर लोग मनगढ़ंत मानते हैं, इस पर विश्वास नहीं करते, पर दोस्तों आपको ये मानना होगा कि साइंटिस्ट को चांद के बारे में ज़्यादा पता है, पर उतना हमारी दुनिया के समुंदर के बारे में नहीं पता। आज भी साइंटिस्ट नए नए जीव के बारे में जांच कर रहे हैं और उनका अनुमान है कि हमारी पृथ्वी के समुंदर में अनेकों महाकाय जीव रहते हैं जो कभी कभी ही बाहर आते हैं। इसलिए ये हादसा द मिस्टीरियस इंसिडेंट ऑफ USS स्टेन मॉन्स्टर से जाना जाता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।